तो स्वागत है ज्ञापन एकेडमी के इस क्लास में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड का आखिरी लेसन, अंत भला तो सब भला। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें कवि ने डायरेक्ट गॉड को चैलेंज कर दिया है कि मेरे बिना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट यहाँ कवि यानी कि रेनर मारिया रिल्के ने बोल दिया है कि मेरे बिना आपका कोई वैल्यू नहीं है। आप भगवान तभी है जब आपको कोई पूजने वाला है। अगर आपको कोई पूजने वाला नहीं है तो आप भगवान किसी काम का नहीं है। कहा जाता है भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब मानोगे तब, मानेंगे ही नहीं कि भगवान है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम जा रहे हैं कहीं साथों साथ और भगवान वहां चल रहे हैं साथ, इसका मतलब कि हम मान रहे हैं, अपने दिल में भगवान को मानते हैं तो भगवान होते हैं। आस्तिक और नास्तिक के बारे में इसमें वो बताए, कौन? रेनर मारिया रिल्के। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे, यानी प्राग ऑस्ट्रिया। अब वो कहाँ है? जर्मनी की तरफ हो चुका है। समझिएगा, यहाँ इन्होंने लिखा है, देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम्हारा प्रभु कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तुम भगवान हो ही नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के बोल रहे हैं। अब समझिए, इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर को हुआ था, 1875 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1875 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1926 में हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु 1926 से याद रखिएगा। पिता का नाम था जोसेफ रिल्के। ठीक है, तो इसमें भी रिल के लगा है, इनके भी रिल लगा। और माता का नाम था सोफिया, याद रखिए, माता का नाम क्या था? सोफिया। बाबू इनका शिक्षा बहुत ही कष्टों के साथ हुआ, बहुत कठिन सह के ये शिक्षा ग्रहण किए हैं। इनको बाबू दर दर ठोकर खाना पड़ा है। इसीलिए ये कहते हैं कि जब हम सच्चे दिल के थे उस वक्त भगवान ने हमारी हेल्प क्यों नहीं की। यानी भगवान चाहते हैं कि जो बुरा कर रहा है उसका हेल्प करें, यही चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मेरे बिना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। हम मान रहे हैं तो भगवान है, नहीं मानने तो नहीं है। मानो तो पत्थर, बोला जाता है ना कि अगर पत्थर में भी भगवान दिखेगा जब मानो तो, नहीं तो वो तो पत्थर है ही। ठीक है, यहां देखिए, संगीत सिनेमा की उनकी क्या थी? गहरी पैठ थी। और यहाँ प्राग म्यूनिक विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया? विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है। प्राग यानी म्यूनिक की अलग अलग प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है, समझिएगा, इनका उपन्यास पूछता है, द नोटबुक ऑफ माल्टे लारिडिस ब्रिज। ठीक है, लारिडिस ब्रिज। और यहाँ पे हेल्स ऑफ अलमाइटी, याद रखिएगा, हेल्स ऑफ अलमाइटी, ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। इतना याद हो गया आपको। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा द नोटबुक ऑफ माल्टे यह रचना किसकी है, तो आप बताइएगा। देखिएगा, ये इंग्लिश टाइप का लग रहा है ना, तो समझिएगा अपने देश का कोई ये कवि लिखा ही नहीं होगा। ठीक है, ये किसने लिखा है बाबू? ये लिखे हैं रेनर मारिया रिल्के ने। ठीक है, जिनको गॉड पे भरोसा नहीं था, इसीलिए बोले हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कुछ हो ही नहीं। ठीक है, अब देखिए कुछ कविताएं भी है, जैसे देखिए लाइफ एंड सो, यहाँ पे सॉन्ग्स, उसके बाद से लॉरेंस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस समझ ना, त्याग, उसके बाद से एडमेंट, ये सब जितने भी इंग्लिश की कविताएं हैं ये किनके हैं? यहाँ पे रेनर मारिया रिल्के। तो फिर आप सोचिएगा, सर तो हम लोग हिंदी में इन कैसे पढ़ दे रहे हैं जब इंग्लिश में था? तो कोई बाबू इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये लिखे थे ये मेरे बिना तुम प्रभु इंग्लिश में, लेकिन कोई कन्वर्ट कर दिया हिंदी में। कौन कन्वर्ट किए वो नीचे लिखे होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, धर्मवीर भारती, किसने किया? धर्मवीर भारती द्वारा ये भाषांतरित है, यानी भाषा को बदल दिया गया। इनके कवि जो है रेनर के भाषाओं को धर्मवीर ने क्या कर दिया है? अपने भाषा में कन्वर्ट करके तब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से यूरोप के साहित्य को क्या? भावबोध किया, संवेदात्मक भाषा और शिल्प से क्या किया? प्रभावित किया। कौन? रेनर मारिया। मारिया ने, यहाँ याद देखिए मारिया, और इससे याद देखिए सोफिया और मारिया। मारिया के माता का नाम सोफिया। कविता का परिचय, इस पूरे के पूरे कविता में बाबू ये बताया गया, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी निरुपाय हैं। यानी कि बिना भक्त के, अगर दुनिया में भक्त नहीं तो भगवान को पूजेगा कौन? और भगवान को पूजेगा ही नहीं तो भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, तो यही बोला, बिना भक्त के भगवान एक अकेले हैं, उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर है। अगर भगवान का उपाधि लिए हैं तो हम ही लोग मानते हैं। अच्छा बताइए ना, हम किसी ऋषि मुनि को नहीं कहते वाह ये तो भगवान का रूप है, तो हम लोग मानते हैं तब ना। अगर मानेंगे ही नहीं तो भगवान का रूप कहाँ से है? ठीक है, तो जब तक भक्त है तब तक भगवान है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए, यह कविता सत्य को अभिव्यक्त करते हैं, यह सच्चाई को बताई। बात सही है बाबू, कि हम लोग मान रहे हैं तभी भगवान है, अदरवाइज भगवान नहीं है। हमारे दिल में आस्था है ना गॉड के प्रति कि हाँ यहाँ पे भगवान है, तो वहाँ आपको दिखेगा कि हाँ भगवान है। आप क्या करते हैं, एक प्रकार का समझिए तो, हम भगवान इस दुनिया में है या नहीं ये दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता।
ठीक है, लेकिन हम लोग एक आस्था लगा के बस बैठे हैं, ठीक है, क्यों कोई काम करने वाले हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान है ना, तो एक हम लोग का दिलासा देने का काम करते हैं और कुछ नहीं होता है। भगवान कोई नहीं, जो जीता जागता माँ बाप को अगर गॉड माँ बाप में दिख रहा है तो वही भगवान है। और जब हम लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं, अब सोचो ना अगर उस भगवान को तकलीफ पहुँचा रहे तो दुनिया में दूसरा कौन भगवान है, और तो दुनिया में कोई दूसरा भगवान तो दिखता ही नहीं है, तो जो दिखता नहीं है उसको मानने से क्या फ़ायदा। ठीक है, ये मैं नहीं ये बोला, ये पहले आस्तिक थे बाद में ये नास्तिक हो गए, गॉड पे भरोसा नहीं करते थे। तो ये आपको पूरा का पूरा लेयर समझ में आया होगा। अब बिना देर किए हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं, यानी मारिया जी क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यानी कह रहे हैं कि जब भगवान जी से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा, मानव का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, तब तुम क्या करोगे, कौन तुम्हारी भक्ति करेगा, जो तुम अपने भक्तों को सुख दुख दे रहे हो और दुख में घुट करके मर जा रहे हैं, तो जब वो रहेंगे ही नहीं तो तुम्हारा भक्ति कौन करेगा, तुम किस काम के हो, तुमको कौन पहचानेगा, अगर भक्त है तभी तो भगवान है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। जब मैं तुम्हारा जल पात्र यानी कि टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं जल पात्र एक तरह से तुमको जो जल चढ़ाने आता हूं और मैं ही टूट के बिखर जाऊं, मैं ही बर्बाद हो जाऊं, तो क्या करोगे तुम, कौन आएगा तुमको जल चढ़ाने। ठीक है, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, यानी कि जब मैं तुम्हारी मदिरा हूं एक तरह से देखो, जो मेरे वजह से तुम नशे में रहते हो, ठीक है, या फिर स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं हमेशा उदास रहूंगा, तुम्हारी भक्ति नहीं करूंगा, तो तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है भगवान जी, यहां समझिएगा। जब देखो मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा वेश हूँ, मेरे वजह से तुम फेमस हो, ठीक है, यानी कि अगर हम मान रहे हैं तो तुम फेमस हो भगवान जी। यहाँ देखो, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो दोगे, अगर तुम अपने भक्तों को खो दे रहे हो तो तुम अपना अर्थ खो दो। जैसे देखिएगा होता क्या है, किसी किसी मूवी देखे हैं, मूवी में क्या होता है, सभी स्टूडेंट या फिर कोई भी लड़का वगैरह, किसी मान लीजिए कोई शाहरुख खान का फैन है, कोई सलमान खान का फैन है, लेकिन अगर फैन ही गुस्सा हो जाए तो सलमान खान और शाहरुख कोई भी हीरो वगैरह होते हैं उन लोग का कोई वैल्यू होगा, कोई वैल्यू होगा, जब वो डायरेक्ट आकर के बोलते हैं कि हम यहाँ जो भी हैं आप सभी पब्लिक की वजह से हैं, सभी ऑडियंस की वजह से, जब ऑडियंस ही गुस्सा हो जाएगी, पूरा जनता ही गुस्सा हो जाएगी, पूरा भगवान के भक्त ही गुस्सा हो जाए, तो भगवान तुम क्या करोगे, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब समझिएगा, मेरे बिना तुम गृहिण निर्वासी हो गए, अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरे बिना गृहिणी यानी तुम्हारे पास घर है नहीं बचेगा, तुम्हारे लिए कोई मंदिर है जब नहीं बनाएगा, क्योंकि जब तुम्हारा कोई भक्त नहीं रहेगा तो फिर कोई मंदिर कैसे, तुम भी गृहिण हो जाओगे, यानी कि गृहिणी यानी तुम भी प्रवासी टाइप के हो जाओगे, तुम्हारा भी घर नहीं रहेगा। ठीक है, स्वागत विहीन हो जाओगे, देखना जब कोई भी त्यौहार आता है तो हम लोग भगवान के स्वागत में कि वाओ ये दुर्गा पूजा आ रहा है, ये वाला सरस्वती पूजा आ रहा है, तो हम लोग स्वागत में पूरा रहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम लोग स्वागत करता ही नहीं रहे, यानी जो स्वागत में पूरा एकदम टेंट वगैरह जो बनाता है वो बोले कि भाई भगवान में तो आस्था है ही नहीं, हमको भरोसा है नहीं, तो क्या करोगे, फिर तुमको कौन बुलाएगा, कौन रेस्पेक्ट देगा, कौन स्वागत करेगा। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, एक तरह से समझिए चरण पादुका होता है ना जो लकड़ी का बनता है, एक तरह से तुम हम आपको सेफ रखते हैं। ठीक है, सेफ किस तरह से रखते हैं, यानी आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, हर जब मंदिर में अच्छा से रखते हैं, अच्छा से सजा करके आपको रखते हैं, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, वे भटकेंगे लहूलुहान, जब हम चरण पादुका आप हमको समझ ले, एकदम पैरों की धूल समझ ले, तो वो धूल है तो सही, लेकिन जब वही नहीं रहेगा तो चलोगे कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारा शानदार लवादा यानी चोंगा गिर जाएगा। ठीक है, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की, यानी कि कभी तुम्हारी कृपा दृष्टि मेरे कपोलों यानी गालों की थी, ठीक है, नर्म सैया पर विश्राम करती थी, उस समय नर्म सैया मतलब होता है बिछावन, बिस्तर। ठीक है, बिस्तर पर जो तुम विश्राम करते थे, निराश होकर वो सूख जाएगी। जितने भी हमेशा देखना कि अगर किसी भी पत्ता वगैरह का गॉड के लिए अगर हम लोग बिछावन करें ताकि यहाँ गॉड को रखने के लिए साफ सुथरा, अब ये साफ सुथरा कौन करेगा, सब कुछ वहां सूख जाएगा। ठीक है, जो मैं उसे देता था, हमेशा ये लेखक कह रहा है मैं उसे देता था, अगर मैं ही नहीं रहूं तो आपको कौन देगा। ठीक है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने की सुख, जो दूर के चोटी में और या फिर सूर्यास्त के रंगों में जब तुम घुल जाते हो, उस वक्त तुमको रेस्पेक्ट इज्जत कोई देता है तो वो आपके भक्त हैं। ठीक है, अब देखिए,
प्रभु, यहां समझे प्रभु, प्रभु मुझे आशंका होती है, कभी कभी तो मैं सोचने लगता हूं कि मेरे बिना आपका क्या होगा, ठीक है, मेरे बिना तुम क्या करोगे प्रभु, मैं भी आपका भक्त हूं, ना आपके बिना मैं रह सकता हूं ना मेरे बिना आप रह सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अच्छा बताइए, भक्त के बिना भगवान का वैल्यू नहीं, अगर दुनिया में कोई इंसान गॉड को नहीं माने तो गॉड कुछ होता ही नहीं है, अगर सब किसी के दिल में गॉड है तो वैसे भी रहेंगे और आगे आस्था भी बढ़ती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि मेरे बिना तुम क्या हो प्रभु, ठीक है। तो फिर देखिए, तो ये रहा आपका आखिरी लेसन, बहुत ही शानदार लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में बाबू शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपका एक महीना लगभग 40 दिन आपका एग्जाम हो जाए, 40-42 दिन जो भी है, ठीक है, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव जो 100 मार्क्स ये पूरा हिंदी है, इसके बाद से जो वर्णिका है उसका तो 5 लेसन है वो देन एंड देयर कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, वो साथ ही साथ होगा। एक लेसन अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव उसी समय बना लेना है, सब्जेक्टिव वीवीआई बाबू उसी समय कर लेना है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव 3 से 4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी मस्ट वीवीआई, यानी कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव जो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम में क्या होता है प्रीवियस ईयर रिपीट होता रहता है, तो वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। आपका नंबर अगर 100 मार्क्स का है तो इस पर काम करना जरूरी है, आप 3 सब्जेक्ट पर काम कीजिए, अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू लीजिए, संस्कृत से हैं तो संस्कृत पढ़िए, संस्कृत मैथ और हिंदी, ये 100-100 नंबर का होता है और पर्सनल सब्जेक्ट है, इस पर काम कीजिएगा, रिजल्ट जरूर बेहतर होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।